जैसा कि आज हम लोग इस फील्ड में आए हुए हैं और हाउ टू डिटरमाइन एबिडिटी बाय कोर कटिंग मेथड, ये आप देख रहे हैं, ये हैमर है जिसको कोर को मार करके इसको अंदर किया जाता है। ये अपना एक ट्रे है और ये अपना डिजिटल स्केल बैलेंस है उस पेतुला की मदद से। तो पूरी डिटेल्स में अब देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। ये एम्बैकमेंट टॉप लेयर है जिसका हम लोग आज एबिडिटी करने के लिए साइट विजिट किए हुए हैं। पूरे लेबोरेटरी की टीम है। तो ये बताइए राजेश जी, इसको आप तो पूरा हो गया इसका, अब निकल जाने के बाद इसको क्या कीजिएगा आप? इसको निकल जाने के बाद कोर को निकाल रहे हैं करेंगे, उसके बाद मॉइस्चर निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, बैलेंस करने के बाद इसको वेट किया जाएगा विथ कोर कटर के साथ। इसको स्टार्ट कीजिए कमलेश जी। कॉलर को स्पेतुला की मदद से इसको बाहर निकाला जाता है। इसके बाद ये कोर जो है इस कटर को पूरी तरह से इसको काट दिया जाता है जी। सरफेस बनाने के लिए इस जो भी ऊपर का है लेयर इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद इसका वेट किया जाएगा। अब पोच कर दीजिए। डर चलिए अभी तो पूरी तरीके से इसमें अब देखिए 0-0 कांटा हो गया है। अब इस पे ये कोर कटर पूरा स्मूथ दोनों तरफ से स्मूथ करने के बाद इसको वेट करेंगे पूरा स्वाइल और ये कटर के साथ में। अब इसको हम लोग नोट करेंगे, बताइए कितना आया? रुकी 29.70-75 है। 29.86 है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है स्टडी करने में। 29.87 ये 29.87 क्या आया आपका मंटू जी? कोर कटर प्लस स्वेल वेट। ये वेट का मतलब यूनिट क्या है? चेक करेंगे इस मिट्टी का। ये देखिए हमारे ये मटेरियल इंचार्ज हैं और इनसे कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिट्टी के बारे में बताइए, इसमें क्या आपको लगता है? ये मिट्टी में जो अपना MDD और OMC जो निकालते हैं सोयल, जी जी जी, अच्छा MDD और MC, हाँ जी हाँ, तो फील्ड डेंसिटी का मतलब उसका जो टॉलरेंस है फ्रीक्वेंसी है OMC का -2+1, तो उसके बीच में जहाँ तक हमको लग रहा है एज पर एक्सपीरियंस के उसके अंदर ही हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। तो हमारा MC एज पर लेबोरेटरी 8.5 है, तो ये लगभग 7 के लगभग है, 7 के बीच में ये इसका OMC है। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये बेड पास है? अब तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। आइए हम कैलकुलेशन को समझते हैं। यहाँ पे है चैनेज लोकेशन, जो कि मेरा चैनेज है 11 से लेकर के 11720 तक, और आज का डेट ऑफ टेस्टिंग आज का डेट है 5 तारीख 6 महीना 2022, और मेरा MDD है 1.950 ग्राम पर CC, और मेरा OMC है 8.5%। फिर यहाँ चैनेज नंबर लिख लेना है, ऑफसेट फ्रॉम सेंटर लाइन, मतलब कि सेंटर लाइन से कितना दूरी पे आप
बेड टेस्ट कर रहे हैं, तो हम 5 मीटर दूरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिए 5 मीटर। और कोर कटर प्लस बेड सॉइल जो कि मेरा आया था 2987, उसको यहाँ इंडिकेट कर दिए, लिख दिए। उसके बाद एम्प्टी कोर कटर वेट, कोर कटर का खाली वेट मेरा 945 था, उसको यहाँ लिख दिए। और इसमें से इसको डिवाइड कर दिए तो मेरा सिर्फ सॉइल का वेट आ गया जो कि 2042 है। और हम इसको कोर कटर का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, मेरा कोर कटर का वॉल्यूम है 1030, उससे ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा बल्क डेंसिटी निकल कर के आएगा वो जो कि है 1.983। इसके बाद हम करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर मीटर की सहायता से हम मॉइस्चर निकालें, तो मेरा मॉइस्चर निकल कर के आया 7%, उसको यहाँ लिख लिए। उसके बाद ड्राई डेंसिटी निकालना है, उस ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए बल्क डेंसिटी से हम मॉइस्चर को डिवाइड किए तो मेरा ड्राई डेंसिटी निकल करके आएगा जो कि है 1.853। 1.853 को जब हम अपना MDD से डिवाइड करेंगे जो कि मेरा MDD है 1.950 ग्राम पर cc, तो हमारा कम्पेक्शन निकल करके आएगा जो कि मेरा कम्पेक्शन आया है 95.04 आया है। और रिमार्क में मेरा वेट पास है, जब मेरा कम्पेक्शन 95-96 के बीच आ रहा है तो समझ लीजिए कि वेट पास है। थैंक यू।